दोस्तों मुझे याद है कुछ दिन पहले मैंने अपने फादर को अपने पापा को 20,000 रुपये फोन पे के थ्रू भिजवाए थे, लेकिन यार मेरे अकाउंट से पैसा कट गया और जो ट्रांजैक्शन है वो फेल्ड हो गया है और साथ ही साथ में मेरे फादर के अकाउंट में भी पैसा नहीं आया। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी कभी भी फोन पे पर आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है, पैसे कट जाते हैं या फिर आपको पैसे वापस नहीं मिलते हैं या किसी भी तरीके की आपके साथ फोन पे पर दिक्कत आती है फोन पे एप्लीकेशन पर, तो कैसे आप आसानी से अपना पैसा वापस पा सकते हैं और साथ ही साथ में जो भी आपकी प्रॉब्लम है कैसे आपको उसको सॉल्व करना है, वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवीन है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमसफर टेक। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करना ताकि आपको हमारी तरफ से ऐसे ही काम की जानकारी की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं डायरेक्टली अपने फोन पर और आपको बताते हैं कि कैसे आपको फोन पे के साथ में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दोस्तों अगर आपको फोन पे पर किसी भी तरीके की समस्या आती है, पैसा कट गया है या फिर किसी भी तरीके की आपको दिक्कत आती है, तो आपको प्लीज एक काम कभी मत करना कि आप गूगल पर फोन पे का कस्टमर केयर को कभी ढूंढना मत, क्योंकि अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे जो है फ्रॉड नंबर आपको मिल जाते हैं जो आपको हमेशा लूटने की कोशिश करते हैं। तो आप गूगल पर कभी भी यूज ना करें कस्टमर केयर नंबर। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको सिंपल दोस्तों कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। जैसे आप यहां पर आप फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आपको सबसे पहले ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे यहां पर दिखेगा आपको, यहां पर नीचे दिखेगा हिस्ट्री का ऑप्शन, तो आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर दिखेगा सारे के सारे जो हमने ट्रांजैक्शन करी थी, पेमेंट करी थी, यहां पर आपको आ चुकी है। अब मान के चलो मेरा इस पेमेंट में कोई दिक्कत थी तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा यहां पर दिखेगा आपको ट्रांजैक्शन के नीचे आपको दिखेगा कि यहां पर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट, आपको बस यहां पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहां पर एक बार क्लिक करते हैं यहां पर देखिएगा थोड़ा सा यहां पर जो है अभी टाइम लगेगा और जैसे यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, अगर यहां पर आपको इस तरीके से आता है तो आप यहां से अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज लैंग्वेज करेंगे और यहां पर आप हिंदी इंग्लिश अपनी चूज कर लेंगे। मैंने इंग्लिश किया। अभी देखिएगा यहां पर कि अभी आपको यहां पर दिखा रहा है प्लीज़ सेलेक्ट, यहाँ पर आपको अपना ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। अब मेरे को ये ना फेक एक रिक्वेस्ट आई थी तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है व्हाई डिड आई गेट दिस रिक्वेस्ट, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा यहाँ पर देखिएगा आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर एक जो है टिकट भी आ चुका है, यानी कि फर्दर हेल्प प्लीज़ रिप्लाई टू द टिकट नंबर दिस। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि एक टिकट जनरेट हो चुकी है। अब यहाँ पर टिकट नंबर देखिएगा लास्ट का 9280 है। अब आपको टिकट देखनी है तो आपको यहाँ पर व्यू टिकट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिएगा आपका टिकट यहाँ पर आपको दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिस्टम ने आपका टिकट ले लिया है और यहाँ पर देखिएगा 5 रुपये का टिकट है और इसको 24 से 48 घंटे में फ़ोन पे की कस्टमर सपोर्ट से ये क्लोज हो जाएगा। अब दोस्तों अब यहाँ पर ये 101% आपकी यहाँ पर हेल्प हो जाएगी, तो आप यहाँ पर रिप्लाई भी कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप बाद में आते हैं इस पर बाहर तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, दोबारा से आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है, सिंपल है। जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पर आपको दोबारा से ट्रांजेक्शन में जाना है, हिस्ट्री में अब आपको उस अमाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिएगा आपको सपोर्ट पे क्लिक करना है दोबारा से और यहाँ पर आपको व्यू टिकट करना है। जैसे आप व्यू टिकट करेंगे आपके जितने भी टिकट हैं आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। टिकट का मतलब होता है दोस्तों कंप्लेन, टिकट का मतलब यहाँ पर कंप्लेन होता है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जो भी आपने टिकट जनरेट करी थी और यहाँ पर देखिएगा आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों फोन पे पर दूसरा तरीका कंप्लेन करने का ये है कि आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के ब्राउजर पर जो है सर्च करना है, जो मैं बता रहा हूँ आपको वही सर्च करना है। आपको यहाँ पर इस तरीके से phonepay.com यहाँ पर आपको सर्च करना है, phonepay.com यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी। तो यहाँ पर आपको जैसे सर्च करेंगे यहाँ पर देखिएगा फ़ोन पे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर नंबर भी दिख जाएंगे, आप चाहे तो इस नंबर का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं डायरेक्टली। और यहाँ पर देखिएगा अगर आप चाहते हो कि आप इनको डायरेक्टली मैसेज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सेंड ए मैसेज पर क्लिक करेंगे।
जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिएगा आपके सामने आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर इसको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछता है कि आई एम नॉट ए रोबोट, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये वाला कैप्चा अगर आपके सामने आता है तो आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पर पूछ रहा है मुझे ट्रैफिक लाइट कौन सी है, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, नेक्स्ट करूँगा। और यहाँ पर देखिएगा अभी दोबारा से पूछ रहा है, अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये वेरीफाई हो चुका है, अब आपको इसको सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, यानी कि वन टाइम पासवर्ड, और उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है। चलिए हमारे पास ओटीपी आ चुका है 93635, तो यहाँ पर हमने टाइप किया ओटीपी और यहाँ पर अब हम इसको सबमिट करते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पर देखिएगा आपके सामने इस तरीके से आएगा। अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं यहाँ पर करेंगे, अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपके साथ में यहाँ पर देखिएगा फोन पे के पिछले सहायता संदेश, और यहाँ पर देखिएगा किसी धोखाधड़ी अगर आपके साथ होती है, रिचार्ज के साथ में कोई दिक्कत आती है, अगर आपने रिचार्ज किया है कुछ प्रॉब्लम आ गई है, फंड ट्रांसफ़र पैसे ट्रांसफ़र करते वक्त आपको और कोई दिक्कत आती है, क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलते रहते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखिएगा ये ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट लेगा। अब आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र आईडी डालना है, तो यहाँ पर देखिएगा मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र आईडी है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा और यहाँ पर आपको उसको कॉपी करना है और यहाँ पर आपको जो है टाइप करना है। जैसे आप टाइप करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से अटैच करना है फाइल को, जो भी आपका फाइल है आपको यहाँ पर इस तरीके से स्क्रीनशॉट अटैच करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है सेंड करना है। जैसे आप सेंड करेंगे आपका यहाँ पर जो है सेंड हो जाएगा, और आपको उसके बाद जो है फोन पे की तरफ से कॉल आ जाएगा और आपकी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। आई होप दोस्तों आप फोन पे से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्त यारों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है, या फिर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जो है फेसबुक इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों जल्द मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के साथ में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू।